शराब के नशे में लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने पर अदालत ने ट्रैक्टर चालक को 4 साल के कठोर कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पदम सिंह ठाकुर ने आरोप सिद्ध होने पर अदालत में दोषी को ये सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को भारतीय दंड संविधान की धारा 279 में 6 माह की सजा और 500 रूपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, धारा 304 AA में 4 साल कठोर कारावास में 10,000 रूपए जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 201 में 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी हमीरपुर चंद्रशेखर भाटिया ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सुनील कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी गांव सुलगाहन तहसील भोरेन जिला हमीरपुर 18 जून 2012 को ट्रैक्टर चला रहा था। शाम करीब 7:30 बजे हमीरपुर बस अड्डे की तरफ बुजुरी के रहने वाले दो युवक मुकेश और अशोक कुमार मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। दोनों ने अपनी मोटरसाइकिल को बुजुरी की तरफ जाने के लिए मोड़ा तो उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचल दिया और मौके से दुसड़का की तरफ फरार हो गया। मेडिकल में पाया गया कि ट्रैक्टर चालक ने शराब का नशा किया हुआ था। आरटीओ कार्यालय के समीप एक दुकानदार बलदेव सिंह पुत्र बंसी राम ने पुलिस में इसकी सूचना दी। दोनों बाइक सवारों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां दोनों की मौत हो गई। इस मामले की तफ्तीश एएसआई कुलदीप कुमार ने की जबकि मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री पदम सिंह ठाकुर जी की अदालत ने एक अहम फैसला करते हुए दोषी सुनील कुमार सन ऑफ सुरेंद्र कुमार रहने वाले हैं जो सुलगान का और तहसील भोरेन जिला हमीरपुर को एक अहम फैसले के तहत धारा 279 में 6 माह की सजा साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना ना अदा करने की सूरत में 15 दिन कारावास और धारा 304AA IPC में 4 साल का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में उसे 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा धारा 201 के तहत 3 माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामला इस प्रकार था कि 18/6/2012 को बलदेव सिंह पुत्र कांशीराम पुत्र आरओ बजूरी ने पुलिस थाना हमीरपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जे आरटीओ ऑफिस के सामने दुकान करता है तथा जब जे दुकान के बाहर खड़ा था तो 7:30 बजे शाम हमीरपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आया जिस पर दो लड़के मुकेश व अशोक जो बजूरी के निवासी थे बैठे हुए थे और आरटीओ ऑफिस के सामने बजूरी की तरफ को मोटरसाइकिल मोड़ने लगे तो दोषी सुनील कुमार ट्रैक्टर को तेज रफ्तारी लापरवाही और गफलत से चलाता हुआ आया और उसको उन अशोक व मुकेश को कुचलता हुआ दुसड़का की तरफ भाग गया। दोषी ने उस समय नशा शराब कर रखी थी और नशा शराब के कारण ही जे उसने हादसा किया था।